हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बेसन के लड्डू। जैसे कि आप जानते हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली आ रही है और भी वो करवा चौथ का व्रत आ रहा है, तो इसमें ये सब की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि मीठे के बिना कोई भी फेस्टिवल अधूरा होता है। तो इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। आपको दिखाऊंगी कि घर पे बेसन के लड्डू कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आप देख सकते हैं मैंने बेसन ले लिया है, बेसन को मैंने छान कर रख दिया है। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें कढ़ाई चढ़ा दी है। अब उसमें मैं देसी घी अपना डाल दूंगी। देसी घी आप लोग डाल दीजिए। कढ़ाई चढ़ा दी है, मैं उसमें देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी को हम पिघला लेंगे। मैंने घर का शुद्ध देसी घी लिया है, बाजार का नहीं लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि घर पे घी कैसे बनाते हैं तो वो मैं आप लोग को वीडियो दिखा दूंगी। अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, जितना आप लोग को लगे कि इसमें जाएगा उतना डाल दीजिए। पहले मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। आपको बेसन को अच्छे से भूनना है। कटोरी के आसपास बेसन लिया है। मैं जो बेसन को भून रही हूँ उससे आंच में भून रही हूँ धीरे धीरे। इसकी जो स्मेल आएगी ना, इससे पता लगेगा कि आपका जो बेसन है अच्छे से भुना है कि नहीं। आप हिलाते जाएं, नहीं तो नीचे से ये लग भी सकता है, तो इसलिए मैं इसको सेम आंच में कर रही हूँ। इसका कलर भी बदलेगा और इसकी स्मेल भी आपको पता लग जाएगी। हाँ, हमारा बेसन अब भून चुका है। हम देख सकते हैं ये भी धीरे धीरे सिमसिम आंच में भून रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटे डालती रहेंगे, इससे बहुत ही अच्छा आपका जो बेसन है ना, इसको मिला लेंगे। थोड़ी थोड़ी छींटे डालनी है, हमें ज़्यादा नहीं डालना है। इससे थोड़ा बेसन आपको बाइंड करने में हेल्प होगा। मेरे को थोड़ा पानी कम लग रहा है तो थोड़ा पानी मैं और ऐड कर दे रही हूँ। मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। लग रहा है तो मैं घी और ऐड कर दे रही हूँ। आप भी देख सकते हैं अगर आपको कम लगे।
ये देखिए घी डालने के बाद अब कैसा अच्छा सा टेक्सचर आया ये देखिए। बस ये 2 मिनट और लगेंगे और हमारा बेसन का लड्डू बनकर तैयार, मतलब भूनकर तैयार हो जाएगा हमारा। ये देख सकते हैं ये अब बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहा है, ये देख लीजिए आप, ये देखिए। तो इससे हमारे लड्डू जो है ना बहुत ही अच्छे बनेंगे। सब एक साथ इकट्ठा हो रहा है हमारा, बस 2 मिनट और इसको मैं भूनूंगी, हमारा बेसन बनकर, बेसन भूनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप ये दानेदार हो गया है अच्छे से। अब मैं इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए इसमें इलायची डाल दूंगी। इलायची मैंने इसमें डाल दी, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये पूरा जो भी हमने अब तक भुना है बेसन को वो सेम आंच में भुना है, तो आप भी इसको सेम आंच में ही भुने, नहीं तो इसके सड़ने की बहुत नीचे से ये जल सकता है और इसकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इससे ये आपको समझ आ जाएगा कि आपका बेसन भुन चुका है और बेसन में ये देखिए ऐसे दानेदार हो चुका है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका बेसन भुन चुका है। तो मेरा बेसन भुन चुका है, अब मैं इसकी गैस बंद कर दूंगी। इसे मैं इसमें निकाल ले रही हूँ, देख लीजिए। ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा ही गर्म है। अब इसमें 1 कप हम चीनी डाल देंगे। अब हम इस सबको मिला लेंगे। पूरा ठंडा नहीं करना है आपने इसको, बेसन के इसको थोड़ा गर्म होना चाहिए ये। ये जो चीनी ली है वो मैंने बुरादा चीनी ली है, या तो आप चीनी को पीस भी सकते हैं या बुरादा चीनी ले लीजिए। अब ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है, अब हम इससे गोले बना लेंगे, लड्डू बना लेंगे। इसके छोटे बनाना चाहें आप छोटे बना सकते हैं, बड़ा बनाना चाहें आप बड़ा बना सकते हैं। ये देख सकते हैं ये लड्डू मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं ऐसे एक एक करके मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए, ये देखिए। तो आप भी लड्डुओं को जरूर बनाइएगा और फेस्टिवल सीजन में लड्डुओं को बनाकर अपने घर में भी खुशहाली लाइएगा। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।